नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आखिरकार चिराग पासवान की पार्टी बीजेपी के सांसद के खिलाफ मोर्चा बिहार में खोल ही दिया। जी हां, इस वक्त बिहार में एनडीए दो फारों में बंटती हुई नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी के सांसद है तो दूसरी तरफ चिराग पासवान और चिराग पासवान के पार्टी के नेता जो बीजेपी के सांसद को चुनौती पेश कर रहे हैं। वैसे में बड़ा असर जो है चुनाव में देखने को मिल सकता है इसका। देखिए, इस वक्त जो बिहार की स्थिति बनी हुई है वो सीधा सीधा हिंदू और मुस्लिम के बीच में दंगा फैलाने की कोशिश की जा रही है या दोनों को अलग करने की कोशिश की जा रही है, अब ये सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। वैसे में चिराग पासवान के पार्टी के नेताओं ने मोर्चा संभाला और बीजेपी के सांसदों के खिलाफ खूब बोले। इस वक्त गिरिराज सिंह यात्रा पर निकले हुए हैं, उस यात्रा को लेकर खुद चिराग पासवान का गुस्सा फूट रहा है तो चिराग के नेताओं का भी गुस्सा खूब फूट रहा है। वैसे में चिराग पासवान के जो पार्टी के नेता हैं वो किस तरीके से खुद बीजेपी सांसदों के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आप पूरी वीडियो देखिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं विस्तार से। जिस तरह से हमारे मंत्री गिरिराज सिंह जी बुजुर्ग हैं, लेकिन मैं इमाम गजाली उनसे बोलना चाहता हूँ तहजीब के दायरे में कि आप ये यात्रा निकाल कर क्या साबित करना चाह रहे हैं। गंगा जमनी तहजीब को आप तार तार करना चाह रहे हैं, इससे फ़ायदा नहीं होने वाला है। गिरिराज बाबू, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दीजिए, बिहार को बिहार रहने दीजिए। ये हिंदू मुस्लिम का नफरत क्यों फैलाते हैं? आप बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, आपको सोच होनी चाहिए कि इस नफरत का बीज बोने से दो समाज के बीच तनाव बढ़ेगा और ये तनाव भीषण रूप अख्तियार कर सकता है और इसका जिम्मेवार आप ही होंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बदनाम आप लोग के ऐसे मंत्री ही करते हैं। जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और हमारी पार्टी का जो संकल्प है कि हमारा अपना खुद का राय है, निजी राय है गिरिराज बाबू, कि आप यात्रा पोस्टपोन कीजिए और हिंदू मुसलमान के बीच का यात्रा निकालिए। आप निकालिए यात्रा, आइए हमारे मुस्लिम समाज मेरे भाई साथ में आइए, हम यात्रा निकालते हैं। आइए हिंदू भाई हमारे साथ आइए, हम यात्रा निकालते हैं। दोनों समाज का एक मिलन का यात्रा निकालिए, आपका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। हिंदू मुस्लिम समाज को का मिलन का यात्रा निकालिए, सद्भावना का यात्रा निकालिए, ये लड़ाने का यात्रा मत निकालिए। आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ गिरिराज बाबू कि ऐसी यात्रा से मुसलमान समाज को आप ठेस पहुँचाते हैं, आपकी बोली ठेस पहुँचाती है। आप का जो इरादा है, जो सोच है, वो दो समाज में दूरियां बढ़ा रहा है। भूमिहार समाज और मुसलमान समाज को तोड़ने का काम होना आप कर रहे हैं। जिस तरह से भूमिहार समाज और मुसलमान समाज में आज से जुगलबंदी मशहूर है, श्री बाबू हमारे मुख्यमंत्री तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, मुसलमान समाज के प्रति उनकी स्नेह था, प्यार था, मोहब्बत था। और हमारे भूमिहार भाई का जो जुगलबंदी है मुसलमान के साथ, उसको आप तोड़ना चाहते हैं, आप लड़ाना चाहते हैं दोनों समाज के बीच में। भूमिहार समाज और मुसलमान समाज को आप लड़ाना चाहते हैं। गिरिराज बाबू, आप बुजुर्ग हैं, आप मंत्री हैं, आप सोच बड़ा रखिए। आप संविधान का शपथ लेते हैं, शपथ में आप कहते हैं कि हर समाज में का मैं मंत्री हूँ, हर समाज को मैं एक नजर देखता हूँ। ये कहाँ आपको इस यात्रा के लिए कहाँ से आपको दिमाग आ गया कि सिर्फ हिंदू मुसलमान आप करते रहते हैं? इससे मुझे आपत्ति है, पर्सनली आपत्ति है, सिर्फ मैं मुसलमान हूँ और आपकी इस यात्रा से मैं दुख हूँ और आपकी इस यात्रा का मैं खंडन करता हूँ और इस यात्रा का मैं मुखालिफ हूँ। जिस यात्रा में हिंदू मुसलमान की बात हो, जिस यात्रा में नफरत फैलाने की बात हो, आप जोड़ने की बात कीजिए और ख़ासकर मुसलमान और भूमिहार समाज का जो जुगलबंदी है उसका आप तोड़ना चाहते हैं। क्या पता क्या सोच है आपकी, भगवान ही आपका भला करे। जी हाँ, देखा आपने
कि ये इमाम गजाली हैं, चिराग पासवान के पार्टी में बड़े पद पर है। अब इन्होंने सीधा सीधा गिरिराज सिंह का जो यात्रा चल रहा है उस यात्रा को जल्द से जल्द रोक लगाने की मांग कर दिए हैं। वो सीधा तौर पे कहे हैं कि ये यात्रा हिंदू और मुस्लिमों को बांटने की कोशिश कर रही है और ये यात्रा सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिमों के बीच में भेदभाव और दंगा फसाद का जड़ साबित हो सकता है। वैसे में सीधा इमाम गजाली ने यहाँ पर गिरिराज सिंह को चुनौती पेश किया है और उन्होंने इस यात्रा को रोकने की बड़ी मांग कर दी है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।